अस्सलाम वालेकुम हमारे स्टूडेंट्स और फिजिकल स्टूडेंट्स और वर्चुअल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम दोनों को। तो हमारा थर्ड वीक का आज फर्स्ट लेक्चर है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपसे चाहिए कि हमारी ऑडियो और वीडियो ठीक आ रही है आप लोगों को। क्विकली कमेंट्स में बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके जी क्लियर है सर, ऑल क्लियर है, वेरी गुड, जबरदस्त। और आज आपको पता है कि इरफान हमें एक फॉरेन कंट्री से ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान एक्चुअली गए हुए हैं सऊदी अरब एंड वो भी सेटल डाउन होके ही विल बी जॉइनिंग अस straight from Saudi Arab and we'll be talking with him as well. So, let's start with the brief overview. और उसके बाद बच्चों के questions जो हैं हारिस आप देखते जाएं, अगर कोई बहुत pressing question हुआ तो वो भी हम answer करेंगे। और उसके बाद आज का जो lecture है वो पिछले week की continuation है जिसमें हमने prompt पे बिल्कुल basic से discussion की थी। आज हम उस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एक्चुअली एक्शन में देखेंगे और हमने एक एनाटॉमी आपसे डिस्कस की थी उसके बारे में बात करेंगे। सो ब्रीफ सा ओवरव्यू के अभी तक हमने अपने चार लेक्चर्स में क्या पढ़ा है। हमने स्टार्ट किया था एआई से, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री से और उसकी क्लासिफिकेशन से, और हमने दो ब्रांचेस पे फोकस किया था, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में हमारे पास ये जो एल्गोरिदम्स हैं वो रूल्स खुद फाइंड करते हैं और बेस्ड ऑन द पेयर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, और जो डीप लर्निंग है दैट इज अ सबसेट और सब ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग, जिसमें वो सारे काम होते हैं जो मशीन लर्निंग करती है लेकिन उसमें हम ह्यूमन इंस्पायर्ड न्यूरॉन्स यूज करते हैं। ये न्यूरॉन्स दीज आर बेसिकली extremely simple math functions जो billions of neurons मिलके decision making करते हैं। उसके बाद हमने इसकी branches पे discussion की थी, हमने supervised learning की बात की थी, हमने unsupervised learning की बात की थी, हमने reinforcement learning की बात की थी, और हमने उसके बाद देखा था कि ये तीनों जो हमने distinguish की हैं branches, ये actually डिस्क्रिमिनेटिव एआई की ब्रांचेस हैं। डिस्क्रिमिनेटिव एआई का मेन जॉब या मेन रोल एआई के अंदर पैटर्न्स फाइंड करना है। लेकिन एआई की एक और ब्रांच भी है जिसको हमने जनरेटिव एआई का नाम दिया था। जनरेटिव एआई ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेट कर सकती है बल्कि ये एक स्टेप और ऊपर जाती है और ये आपके लिए कॉन्टेंट जनरेट भी करती है। वो कॉन्टेंट अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। अभी तक हमने देखा था कि दो टाइप के जनरेटिव मॉडल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल बिलोंग्स टू द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और ये भी हमने आपको आइडिया दिया था कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो एआई की ब्रांच है जो लैंग्वेज यानी कि रिटन लैंग्वेज और टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करती है। फिर हमारे पास इसी तरह कंप्यूटर विजन की ब्रांच थी जो इमेज और वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करती है, और हमारे पास इसी तरह स्पीच रिकग्निशन की ब्रांच थी जिसमें हम एआई को अप्लाई करते हैं ज़्यादातर स्पीच और ऑडियो सिग्नल्स पे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर स्टडीड अंडर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमने जनरल आइडिया दिया था कि दीज आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स और ये जीपीटी से बनते हैं। जीपीटी इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क जिसे हम जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, और आगे जाके हम इसको ज़रा तफसील से पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना माउथफुल नाम लेना बाज़ दफ़ा मुश्किल भी हो जाता है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, लेकिन जीपीटी का लफ्ज़ अब इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है कि सबको जीपीटी का पता है, लेकिन ये जीपीटी बनता कैसे है तो ये अब आपको पता चल जाना चाहिए, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर।
हारिस, दूसरे जो मॉडल थे वो मेरे ख्याल डिफ्यूजन मॉडल थे, है ना? बिल्कुल डिफ्यूजन मॉडल्स थे, और डिफ्यूजन मॉडल्स के बारे में भी जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो यू विल बी ब्लोन अवे कि किस तरह के डिफ्यूजन मॉडल्स अब आपके पास अवेलेबल हैं। और जब हमने सर बैच वन करवाया, उसके बाद जब बैच वन के स्टूडेंट्स ने वो डिफ्यूजन मॉडल्स यूज़ करना स्टार्ट किया और उनके जो रिजल्ट्स वो शेयर करते हैं ना, तो बाज़ूकात मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि इतने अच्छे प्रॉम्प्ट तो हमें भी नहीं लिखने आते जितने अच्छे वो लिखे और उनका यूटिलाइज करो। और एक्चुअली बच्चों ने काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, उनसे अर्निंग भी की है और फ़ायदा उठाया रियल टाइम। जी बिल्कुल, ये आप लोगों ने वेबसाइट्स देखी होंगी जैसे शटरस्टॉक है या कोई और है, उधर लोग इमेजेस सेल करते हैं। तो इनफैक्ट ये एक साइड बिजनेस है। अभी तक हमने आपको बताया था कि आप डेटा एनोटेशन करके पैसे कमा सकते हैं, तो एक जो दूसरा बिजनेस आप कर सकते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो दूसरा सिबलिंग है विच इज डिफ्यूजन मॉडल, उन्हें यूज करते हुए कि आप इतने अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखने के एक्सपर्ट हो जाएं कि उनसे जो इमेज निकले वो प्रोडक्शन क्वालिटी की हो, वो लोग अपने कॉपी राइटिंग में यूज करें, अपने मार्केटिंग मटेरियल में यूज करें, अपने हॉस्पिटल बिजनेसेस में बड़े बड़े फ्रेम करवा के लगाएं, अपनी वेबसाइट्स पे लगाएं, अपने ब्लॉग्स पे लगाएं। तो ये जो इमेज क्रिएशन है ये पहले आर्टिस्ट करते थे डिफरेंट टूल से, लेकिन अब दिस इज एन अदर बिजनेस और ये एक काफी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें आप एआई से इमेज जनरेट करके सेल करते हैं। और सर ना सिर्फ जो इमेज है हमारी, हमारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं, इवन के प्रॉम्प्ट्स हमारे पास इतने जो है वो सेल किए जाते हैं, बकायदा आपको इतनी ज्यादा वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे सिर्फ प्रॉम्प्ट्स लिस्ट किए गए हैं कि बेटर प्रॉम्प्ट क्या है और उनको आप यूज करके किस तरह के इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, कि एक काम है और आपका इसमें पूरा माइंड जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि आप इसमें कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी जो है वो ला सकते हैं। बिल्कुल, और जब आप देखेंगे ना कि आपको आइडिया होगा कि यार एक एक लफ्ज से मॉडल पे बड़ा डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है। बल्कि इनफैक्ट आज हम जब टीम में डिस्कशन कर रहे थे तो हमारे कोलीग एंड डॉक्टर फिजान, उन्होंने हमारे साथ एक रिसर्च पेपर शेयर किया। अच्छा, उस रिसर्च पेपर में एक बड़ी मजेदार बात लिखी थी कि अगर आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर इमोशनल कोई इमोशनल लाइन ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल, प्लीज डू इट केयरफुली, माय कैरियर डिपेंड्स ऑन इट, और आर यू श्योर दिस इज द राइट वन, यू नीड टू वेरीफाई इट बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो इस तरह की जब आप इमोशनल लाइंस अटैच करते हैं ना प्रॉम्प्ट में, तो मॉडल की आउटपुट सडनली बहुत बेहतर हो जाती है। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का हम आपको जो आइडिया दे रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक सा आइडिया है, ये किसी तरह भी एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि इसमें हर चीज कवर हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग फाउंडेशन है जिस पे आप बेसिक से प्रॉम्प्ट लिखेंगे, लेकिन जैसा कि हारिस ने बताया कि जब आप बार बार प्रॉम्प्ट लिखेंगे, लफ्जों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि कुछ लफ्ज बहुत ज्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल को या डिफ्यूजन मॉडल को इफेक्ट करते हैं, कुछ बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते, कुछ नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। लेकिन इसकी भी एक ही की है, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। दुनिया की हर चीज की तरह इस काम में भी आपको प्रैक्टिस ही मिलेगी। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये एक और साइड बिजनेस है जिसमें आप प्रॉम्प्ट सेल कर सकते हैं, या आप उन प्रॉम्प्ट से बना हुआ कंटेंट, चाहे वो इमेज है चाहे वो ब्लॉग है, वो सेल कर सकते हैं। इनफैक्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने कॉपी राइटिंग तो बिल्कुल रीडिफाइन कर दी है हारिस, मतलब जितना लोग मार्केटिंग मटेरियल बनाते थे वो अब सारे का सारा जो कॉपी राइटर्स हैं वो चैट जीपीटी या लैंग्वेज मॉडल से बनाते हैं। ओके सर, इसमें ना कमेंट्स आ रहे हैं कि बीच में ना हमारी वॉइस इंटरप्शन हुई थी जब आप रिसर्च के बारे में बता रहे थे। बात ये हो रही थी कि रिसर्च जो सर ने चीज बताई कि लैंग्वेज मॉडल्स को जब आप प्रॉम्प्ट करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर्स ने रिसर्च करके जो चीज बताई है वो ये है कि अगर आप माइक्रो जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर अगर आप इमोशनली उसको एक टच दे दें, तो जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। लेकिन इन रियलिटी आपको क्या होना चाहिए था, लॉजिकल आंसर्स मिलने चाहिए थे, बट इमोशनली भी आपका जो प्रॉम्प्ट है वो आपकी आउटपुट पे इफेक्ट करता है। तो प्रॉपर उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर है,
अब जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ जब कंटेंट शेयर करूंगा तो वो भी शेयर कर दूंगा कि जो इंटरेस्टेड हैं लोग वो उस चीज को पढ़ लें। सो सर कंटिन्यू। वेरी गुड, जबरदस्त। सो आज हम प्रॉम्प्ट के बारे में बात करेंगे और हर इस प्रॉम्प्ट के लिए हम बेसिक सी एनाटॉमी जो है पहले वो डिस्क्राइब करते हैं। ये मैंने पिछली बार भी डिस्क्राइब की थी, आज इसको एक दफा ओवरव्यू लेते हैं। उसके बाद फिर हमने कुछ प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं जो उस एनाटॉमी पे हैं, फिर हम उनको एक्चुअली एक्शन के अंदर देखेंगे और साथ साथ हम इनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे प्लेग्राउंड भी। आज बिल्कुल ठीक है। तो जब मैंने एनाटॉमी पिछली बार आपको इंट्रोड्यूस करवाई थी तो मैंने सबसे पहले बताया था कि आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक रोल देना, ठीक है, एक पर्सनैलिटी असाइन करनी है। जैसे कि यू आर अ लॉयर, झूठ बोलने वाला नहीं, लीगल एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, लीगल प्रोफेशनल, या यू आर अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर। तो आप उसे एक पर्सनैलिटी असाइन करें सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद आपने उसे बताना है कि यार मैं तुमसे काम क्या लेना चाहता हूँ। जैसे अगर लीगल प्रोफेशनल है तो आपने उसे कहना है कि मेरे लिए एक मेमो लिख दो, या मेरे लिए कोई एक डिपोजिशन या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दो। तो ये वो गोल है। अच्छा, वो गोल अचीव कर रहा है अगर आपने, तो एआई में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप एआई को स्टेप बाय स्टेप बताएं कि ये गोल कैसे अचीव करना, अदरवाइज आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनवाना है तो मैं एआई को बताऊंगा उसमें पहले स्टार्ट में उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर उसके अंदर उसका हेडर होना चाहिए, फिर उसके अंदर उसके जो कानून के सेक्शंस हैं वो उनकी लिस्ट होनी चाहिए। तो यू सी कि मैंने जो काम करवाना था उसके मैंने स्टेप्स बताए उसे। उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि आप उसका कॉन्टेक्स्ट और लिमिटेशंस बताएं। अब कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं जो लीगल डॉक्यूमेंट चाह रहा हूँ वो प्रॉपर्टी के लॉस से रिलेटेड है। मतलब ये मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट भी बताया और साथ ये भी कहा कि तुमने सिर्फ प्रॉपर्टी के लॉज से रिलेटेड बात करनी है, बाकी लॉज से रिलेटेड बात ही करनी है, लॉ तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो इधर मैंने कॉन्टेक्स्ट भी डिफाइन कर दिया और उसी कॉन्टेक्स्ट के साथ मैंने लिमिटेशन भी डिफाइन कर दी कि ये लिमिटेशन है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आपने इसी के अंदर ऑपरेट करना, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मैं क्या आउटपुट चाह रहा हूं। तो आपने बताया कि मेरे लिए डॉक्यूमेंट बनाओ और आउटपुट में आपने बताया कि ये डॉक्यूमेंट की इतनी लेंथ या वट एवर होनी चाहिए। और फिर आप ये भी बता सकते हैं अगर आप प्रोग्रामर हैं, विच इज एक्चुअली ऑप्शनल, कि ये आउटपुट आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। अच्छा, जो लोग कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनल नहीं है उनके लिए शायद ये एक डिफरेंट सी बात हो, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनल है उन्हें बाज दफा आउटपुट बड़े डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए हो सकती है। हमारे पास कुछ दो फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ, हमें जेसन की फाइल भी चाहिए हो सकती है, एक्सएमएल चाहिए हो सकती है, मार्कडाउन चाहिए हो सकती है, लेकिन ये ऑप्शनल स्टेप है। अगर आप सिर्फ कॉन्टेंट या जो डेटा है वो जनरेट करना चाह रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसे आउटपुट का फॉर्मेट भी बताएं। तो ये एक कुछ स्टेप मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आसानी के लिए। सबसे पहले पर्सनैलिटी असाइन की, टास्क बताया कि क्या करना है, उसके बाद स्टेप्स बताया जिनमें वो टास्क परफॉर्म करना है, उसके बाद वो कॉन्टेक्स्ट और लिमिटेशंस बताएं जिसके अंदर रह के वो टास्क परफॉर्म करना है, उसके बाद डिजायर्ड आउटपुट बताई, और छठा स्टेप जो ऑप्शनल मैंने कहा था कि कुछ केसेस में आपको चाहिए हो सकता है कि आप बताएं कि मुझे ये आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शनल स्टेप है और सिक्स स्टेप है। तो ये पांच स्टेप अगर आपके प्रॉम्प्ट के अंदर हैं तो ये एक अच्छी फाउंडेशन है जिसके ऊपर आप अपनी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में भी और जो हमारे डिफ्यूजन मॉडल। अच्छा, डिफ्यूजन मॉडल जब मैं कहता हूं तो आपके ज़हन में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडल्स जो इमेज जनरेट करते हैं या जो पिक्चर्स जनरेट करते हैं। बाय द वे, अब थोड़ी देर में कोई 15-20 मिनट में हम थोड़ा सा आइडिया आपको देंगे कि यार ये डिफ्यूजन मॉडल्स क्या होते हैं, ये नाम इनका क्यों पड़ा, एंड सो ऑन, विल टॉक अबाउट इट एज वेल। तो हारिस, मेरा ख्याल है कि अब हम कुछ एक दो एग्जाम्पल्स कर लें। जी बिल्कुल, एग्जाम्पल्स पे आते हैं, बैठें, ये एग्जाम्पल तो बैठ के ही होंगे वरना आपसे टाइप नहीं होगा।
सबसे पहले जरा एग्जाम्पल को एक दफा देख लेते हैं। जो जो स्टेप्स आपको बताए गए थे एक प्रॉम्प्ट के अंदर इनिशियली आपके पास होने चाहिए, अब सबसे पहली चीज आपको ये बताई गई थी कि आपके पास एक परसोना होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक ऐसा जैसे कहते हैं कि एक ऐसा असिस्टेंट क्रिएट करना चाहता हूं कि जो लोगों को कस्टमर केयर की सर्विस दे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मेरी क्या होनी चाहिए कि मैं उसको मेंशन करूं कि यू आर अ कस्टमर केयर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ टेक कंपनी। अब आपने ये भी स्पेसिफाई कर दिया आप किस डोमेन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने उसको एक परसोना बता दिया कि यू आर कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइडर और किस किस डोमेन में टेक कंपनी के लिए है। तो अब आपकी जितनी क्यूरीज होंगी वो टेक रिलेटेड कंपनीज की क्यूरीज को बड़े अच्छे से हैंडल करके देगा। नेक्स्ट चीज आपने उसको बतानी थी कि आपका क्या टास्क है, तो आपने अब उसको ये चीज बता दी कि आपका टास्क ये कि आपने लोगों को असिस्ट करना है उनकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स उनको आ रही होंगी अपनी वेबसाइट को लेके या जो भी सर्विसेज को लेके टेक्निकल इश्यूज हैं वो आपने उनके रिजॉल्व करने हैं, ओके। उसके बाद आपने उसको गाइड करना है उस असिस्टेंट को कि वो किस तरीके से उनकी जो स्टेप्स फॉलो करे, उन कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके वो उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो टास्क को अचीव करे। तो मैंने इसमें मेंशन किया हुआ कि जी ग्रीट द कस्टमर एंड आस्क फॉर डिटेल अबाउट द इश्यूज। सबसे पहले वो कस्टमर केयर के अंदर अगर वो आपसे ग्रीट ही अच्छे तरीके से नहीं कर रहा तो ये कस्टमर केयर के अंदर भी एक इशू आ गया कि वो भी सही नहीं है। तो कस्टमर केयर का पहला स्टेप कि आप कस्टमर से अपने जो आपको कंप्लेंट जो भी इशू लेके आ रहा है उससे अच्छे से ग्रीट करें, उसका इशू जो है वो डिटेल में पूछें कि प्रॉब्लम क्या है। देन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको ट्रबल शूट करने के लिए कि आप इस इन इन स्टेप को फॉलो करके ये जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर इशू उसका सॉल्व नहीं होता तो उसको आप ट्रांसफर कर दें और उसको रिकमेंड करें कि आप टेक्निकल सपोर्ट टीम जो है वो उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि ये तो आपने एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाया हुआ है, ओके। उसके बाद आपने उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, कंस्ट्रेंट बताने हैं कि क्या आप क्या लिमिटेशंस हैं, क्या चीजें कर सकते हैं क्या चीजें नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहली चीज मैंने उसको ये बताया कि कस्टमर इज नॉट टेक शेवी, कि कस्टमर को टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो इतना लिटरेट नहीं है इस डोमेन का जो आपके पास इशू लेके आएगा। तो आपने क्या करना है उसे कम्युनिकेशन करनी है फ्रेंडली मैनर में और नॉन टेक्निकल मैनर में, कि वो नॉन टेक्निकल मैनर में, नॉन टेक्निकल बंदा आप उसे टेक्निकल जितनी मर्जी चीजें टर्मिनोलॉजी समझा लें उसका इशू रिजॉल्व उसको समझ ही नहीं आएगी और वो टेक्निकल इशू रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। सो उसके बाद आपने गोल बताया कि अल्टीमेटली गोल आपका इस तमाम चीजों से क्या है, रिजॉल्व द कस्टमर इश्यूज सेटिस्फैक्टरीली, कि आपका जो भी कस्टमर आए आप उसका इशू रिजॉल्व करें और वो सेटिस्फाइड जाना चाहिए, ये आपका गोल है। अब सेटिस्फेक्शन के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, आप उसको ट्रबल शूटिंग के जितने भी मेथड्स हैं वो बता सकते हैं। इन केस उसका इशू नहीं हो रहा तो आप उसको फ्रेंडली मैनर में गाइड कर दें कि आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी टेक्निकल सपोर्ट टीम की है, आप टेक्निकल सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा और उसको एक प्रॉपर वे में सेटिस्फाई करके आपने भेजना है। अच्छा, फॉर्मेट जो आपका जो आउटपुट एट द एंड कोई भी कस्टमर इनपुट आपको देगा अपनी इश्यूज बताएगा, जो आउटपुट आपके असिस्टेंट ने उसको देनी है वो किस फॉर्मेट में देनी है, प्रोवाइड अ समरी ऑफ द ट्रबल शूटिंग स्टेप्स, जो भी स्टेप्स होंगे उनकी समरी बतानी है एंड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट द कस्टमर माइट नीड, ठीक है। और कोई भी एडिशनल फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रबल शूटिंग के बारे में तमाम स्टेप्स बता दी लेकिन उसके बाद आके आपका बॉर्ड कहता है कि बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन कस्टमर जो है वो एक छोटी सी चीज मजीद पूछना चाह रहा था, तो साइड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन टेक्निकली उसको वो भी आपने प्रोवाइड करनी है। तो ये एक आपके सामने एक एग्जांपल है, बिल्कुल उसको मैंने मैप किया है जो आपको हमने पीछे स्टेप्स जो छह आपको स्टेप्स बताए थे कि आपके प्रॉम्प्ट के अंदर ये छह चीजें कंपल्सरी जो है वो होनी चाहिए, तो एग्जैक्टली उसको मैप करके आपके सामने ये चीज को मैंने दिखाया है। इसकी अब आई थिंक प्लेग्राउंड पे चलते हैं, एक इनको रियल टाइम टेस्ट करके दिखाते हैं। ओके, मैंने जो स्लाइड्स है उसके अंदर ये चैट जीपीटी प्लेग्राउंड का जो है वो लिंक भी ऐड किया हुआ है ताकि जिन लोगों ने इसको यूज करना है वो इजीली जो है वो इसको यूज कर सकें। सो मेरी सेकेंड स्क्रीन के ऊपर जब तक ये ऑन हो रहा है मैं ऑन करके तो इस आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके जी, अच्छा हारिस इधर कुछ डिफरेंट लफ्ज भी हैं, मेरा देखें तो जरा बच्चों को नजर आ रही है ये स्क्रीन? मैं अभी शेयर करूंगा सर फिर उसके बाद।
ठीक है जी, ये प्रॉम्प्ट की एग्जांपल पे हैं हम, और ये मैं रिमूव करता हूँ। जी, अब आपके सामने एक स्क्रीन शो हो रही है जिस जो कि एक ओपन एआई की तरफ से एक प्लेग्राउंड बनाई गई है। अब इस प्लेग्राउंड का पर्पस क्या है? इस प्लेग्राउंड का बेसिक पर्पस जो ये सर्व करती है वो ये है कि आप ओपन एआई की तरफ से प्रोवाइड किए गए जो मॉडल्स हैं, जो जो उन मॉडल्स के अंदर जो जो पैरामीटर्स अलाउ किए गए हैं, उन तमाम को एक्सरसाइज करके देख सके विदाउट एनी कोड के आप किस किस तरीके से प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर सेटिंग कर सकते हैं जिसकी जिसकी बेसिस पे आपका जो मॉडल है वो बेटर परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। इस काम को करने के लिए आपको कोई जो प्रोग्रामिंग नॉलेज है उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये हर बंदा जो जो बिल्कुल जिसको LLM का पता है, जिसको प्रॉम्प्ट जिसने प्रॉम्प्ट लफ्ज सुना हुआ है, वो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकता है। उसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग उसका एक्सपीरियंस हो सकता है कि अगर वो इसके साथ खेलना शुरू कर, आपके घंटों गुजर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो है वो कोई मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब आपके सामने एक स्क्रीन शो रही है, मुझे काइंडली जरा बता दें कि स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है आप लोगों के साथ ताकि मैं कंटिन्यू करूं मजीद। आप सबको प्ले ग्राउंड नजर आ रहा है क्लियरली? स्क्रीन इज नॉट क्लियर। ओके, थोड़ा सा मेरे ख्याल बड़ा कर दें, मैं इसको कोशिश करता हूँ। ओके, अब क्लियर है। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि ये प्ले ग्राउंड पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है, तो आप इजी होके इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब इस प्ले ग्राउंड में जैसे ही आप एंटर होंगे ना, तो प्ले ग्राउंड के साथ आपको ना एक ऑप्शन जो मेन्यू है वो नजर आ रहा होगा, जिसके ऊपर आप अगर आप क्लिक करें तो आपके पास तीन चीजें आ रही हैं, असिस्टेंट्स, चैट्स एंड कंप्लीट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक चीज बता दूंगी, जो कंप्लीट वाला सेक्शन है इसके अंदर हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जितने मॉडल्स थे ओपन एआई की तरफ से वो पुराने थे, अब वो लेगेसी मॉडल्स हो चुके हैं, उनको अब फर्दर यूज नहीं किया जाता, तो उसको हम इग्नोर करेंगे फिलहाल के लिए। अच्छा, अगर आप चैट वाले पोर्शन में रहते हैं और चैट वाले पोर्शन के अंदर आप ये देखें, यहाँ पे आपको सिस्टम नजर आ रहा है, सिस्टम की हेडिंग नजर आ रही है। इस सिस्टम की हेडिंग के अंदर अगर आप जो असिस्टेंट आप बनाना चाहते हैं उसका प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पे एंटर करना है और आपके डिजायर्ड आउटपुट रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो होंगे, जो क्यूरी आप एंटर करेंगे। ये मैं क्यूरी एंटर कर रहा हूँ यूजर वाले सेक्शन में, तो जो क्यूरी मैं एंटर करूंगा और मैंने सिस्टम में जो प्रॉम्प्ट दिया उसके अकॉर्डिंग मेरी क्यूरी का आंसर आएगा। अब ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, लेकिन इसके साथ आपको बिल्कुल राइट साइड के ऊपर कुछ चीजें नजर आ रही हैं, कुछ पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं जिनको आप ट्वीक कर सकते हैं, जिनके साथ आप प्ले कर सकते हैं। सबसे पहली चीज उसको जरा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, मॉडल की है। मॉडल बेसिकली ये क्या करता है कि आपके पास जो ओपन एआई की तरफ से डिफरेंट मॉडल प्रोवाइडेड हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 3.5 टर्बो यूज कर रहा हूँ, हमारे पास 3.5 टर्बो का एक और वेरियंट है, फिर 16K वाला वेरिएंट है, फिर GPT-4 है और GPT-4 टर्बो आपके पास मौजूद है। ये जो 1106 प्रीव्यू है ये GPT-4 टर्बो है। ओके, अब फिलहाल के लिए इसको इसी पर रखते हैं। और टेम्परेचर बेसिकली, और अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस चीज़ के ऊपर आप अपना कर्सर लेके जाएंगे वो आपको अपनी जो फंक्शनैलिटी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी जो है वो समराइज फॉर्म में दे देगी। अब सबसे पहली चीज आपके पास टेम्परेचर आ रही है और ये टेम्परेचर है ये क्रिएटिविटी स्विच, क्रिएटिविटी आपका मॉडल का स्विच है एक किस्म का, कि आप मॉडल को कितना क्रिएटिव लेके जाना चाहते हैं। आपने जो प्रॉम्प्ट दिया हुआ है आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली मेरे प्रॉम्प्ट के मुताबिक वो येस और नो में आंसर दे दे, तो आप उसका जो टेम्परेचर है उसकी क्रिएटिविटी है वो जीरो कर देंगे और वो एग्जैक्टली उस चीज से वही जवाब देगा जो आप उसे डिजायर्ड रिक्वायर्ड करते हैं। लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर 0.5 पे ले जाएं या 1 के करीब ले जाएं, जितना आप 1 के करीब लेके जाते जाएंगे उतना ज्यादा मॉडल जो आपका क्रिएटिव आंसर देगा वो यस तो कहेगा लेकिन इतने क्रिएटिव वे में कहेगा और डिफरेंट वर्ड्स यूज करेगा कि हर दफा आपको एक नई डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी वर्ड्स की। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड यूज किया है तो इसको भी नोट डाउन कर लें कि आपको आगे भी हम तो बताएंगे लेकिन आप भी कुछ सर्च कर लीजिएगा।
कहने का मतलब ये कि डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हमेशा आपके लिए आएंगे जो जो कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में नहीं होंगे, एक क्रिएटिव वे बिल्कुल आपके पास जो है वो बात करने का मॉडल आपको आउटपुट दे रहा होगा। अच्छा, ये जो टेम्परेचर है ना, इसकी रेंज एक्चुअली अगर आप नोट करें तो 0 से लेके 2 तक है, लेकिन बी अवेयर के आपने इसको कभी भी 1 से ऊपर नहीं करना, वरना आपको लगेगा कि 2 पे अगर आप करेंगे तो ये ऐसा शायर है जिसने कोई ममनुआ ड्रिंक्स बहुत सारे पिए हुए हैं, वो फिर शायरी कर रहा है, उसका कोई मतलब जो है वो नहीं निकल सकता। तो डू रिमेम्बर के टेम्परेचर 1 से ज्यादा नहीं करना। 1 जो है वो मैक्सिमम क्रिएटिविटी है जो मीनिंगफुल होती है, जो सेंटेंस मीनिंगफुल बनते हैं। 0 पे जो मॉडल है वो बिल्कुल रेपिटेटिव से आंसर आपको देगा। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूं कि आपने एक क्वेश्चन पूछा और आपका जो टेम्परेचर था वो 1 था, अब वही क्वेश्चन दूसरी बार पूछेंगे रिजल्ट फर्क होगा, तीसरी बार पूछेंगे रिजल्ट फर्क होगा, चौथी बार पूछेंगे रिजल्ट फर्क होगा। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 0 है तो सेम क्वेश्चन का हर बार सेम आंसर होगा, रेपिटेटिव आंसर होगा, क्रिएटिव या डिफरेंट आंसर विद यूजेज ऑफ डिफरेंट वर्ड्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर 0 होता है तो मॉडल जरा डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है। ये एक नया लफज है, जरा मुश्किल लफज है, लेकिन 2 लफज जो है उनसे हमारा वास्ता पड़ेगा, एक रैंडम और एक डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक ये होता है कि हमें पता है कि इसने क्या बोलना है, रैंडम ये है कि हमें आइडिया नहीं है, रैंडम वो कुछ भी जवाब दे सकता है। तो रैंडम का जो ऑपोजिट लफ्ज होता है वो कंप्यूटर साइंस में डिटर्मिनिस्टिक होता है। वैसे रैंडम का एक और बड़ा मुश्किल सा लफ्ज भी होता है, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे, फिर किसी अगले लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। सो टेम्परेचर 0, रिपीटेटिव, सेम क्वेश्चन पूछेंगे सेम आंसर देगा। टेम्परेचर 1, मॉडल क्रिएटिव हो जाएगा, सेम क्वेश्चन पूछेंगे, 4 बार भी पूछेंगे तो हर बार डिफरेंट आंसर देगा। और टेम्परेचर 1 से ऊपर नहीं करना, नहीं करना। अच्छा, इसके बाद आपके पास ना एक पैरामीटर अगर आ रहा है मैक्सिमम लेंथ की, और उसके अंदर अभी आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसमें वैल्यू चेंज की और मैंने इसको 1000 कर दिया। अब ये है क्या एक्चुअली? ये लिमिट है कि मॉडल कितने टोकन्स को प्रोसेस करेगा, मॉडल कितने टोकन्स को प्रोसेस करेगा। अब इसमें कुछ चीजें जो आपने जहन में रखनी है वो सबसे पहले ये कि टोकन के अंदर वो कितने करेक्टर्स को ले रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके साइड में ये जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, अब इसमें हर एक वर्ड एक टोकन कंसीडर होता है, ठीक है, लेकिन टोकन की क्या लेंथ, कितने करेक्टर का एक वर्ड जो है वो टोकन कंसिडर किया जाएगा, कितने करेक्टर का वर्ड टोकन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये आप अगर आप इसके ऊपर कर्सर अपना लेके जाएंगे ना तो ये आपको खुद ही बता देगा कि 1 टोकन इज रफली 4 करेक्टर्स। तो वो जो टोकन काउंट कर रहा है वो 4 करेक्टर्स को मिलाकर 1 टोकन काउंट करेगा रफली। ठीक है, असल में इसके पीछे एल्गोरिदम्स होते हैं, तो ये ऑन एवरेज अगर आप कंसिडर करें तो हर टोकन ऑन एवरेज 4 करेक्टर्स का होगा, ये 5 के राउंड। अदरवाइज कुछ टोकन जो है वो 1 करेक्टर्स के भी हो सकते हैं, कुछ 6-7 के भी हो सकते हैं। तो इसलिए ओपन एआई ने मेंशन किया है कि रफली हर टोकन तकरीबन 4 करेक्टर्स का होता है। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो ये कि ये जो लिमिट है ये शेयर्ड है। ये शेयर्ड इस तरीके से है कि जो आप प्रॉम्प्ट इनपुट में दे रहे हैं उसके टोकन्स भी काउंट होंगे और जो ये आउटपुट जनरेट करेगा उसके टोकन्स भी काउंट होंगे। तो ये 1000 जो मैंने लिमिट दी है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इनपुट के अंदर 500 टोकन्स दे देते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर, अब आपकी जो आउटपुट है वो 500 टोकन्स पे लिमिटेड होगी, इससे बड़ी आउटपुट आपको वो मॉडल नहीं देगा। क्यों? 500 टोकन्स वो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है, तो उसकी लिमिट थी 1000 की। तो बाय डिफॉल्ट ये 256 के ऊपर था, तो 256 जो हमारे प्रॉम्प्ट है वो बहुत ही मिनिमल वैल्यू है जिसके ऊपर आपको अच्छी, बल्कि आप एक आपका एक प्रॉम्प्ट भी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। अच्छा, सो अच्छा, अब आपके सामने जो चीजें हो चुकी हैं कि मैंने इसके अंदर जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्लाइड्स के ऊपर, वो मैंने मीनवाइल जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो मैंने पेस्ट कर दिया है। हमारे पास मॉडल सिलेक्टेड है, टेम्परेचर हमने सेलेक्ट कर लिया है, मैक्सिमम लेंथ हमने टोकन्स की वो सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आगे एक और चीज आ रही है, बस स्टॉप सिक्वेंस की।
स्टॉप सीक्वेंस ऐसी चीज है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि कुछ वर्ड्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक आप वर्ड स्पेसिफाई कर देते हैं, कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजीज आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर ये टर्म्स आती हैं तो आपका मॉडल आउटपुट जनरेट ना करे, स्टॉप हो जाए, करना बंद कर दे, ठीक है। तो वहां पर आपका मॉडल जो है वो क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा उन स्पेसिफिक वर्ड्स के ऊपर, टर्म्स के ऊपर। और टॉप भी रहने दें, ये अभी बच्चों को समझ में नहीं आना, अब ये फ्रीक्वेंसी पेनल्टी और प्रेजेंस पेनल्टी की बात करते थे। देखिए फ्रीक्वेंसी होती है कि एक कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है, अगर एक कैरेक्टर 10 बार आ रहा है तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, अगर 15 बार आ रहा है तो 15 है। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब होती है सजा, तो फ्रीक्वेंसी पेनल्टी के लफ्ज से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मॉडल कोई लफ्ज ज्यादा यूज करेगा तो मॉडल की पेनल्टी बढ़ जाएगी और मॉडल फिर उस लफ्ज से अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी मींस अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो लाइकलीहुड के वो लफ्ज दोबारा यूज किया जाएगा, ये लाइकलीहुड कम हो जाएगा, यानी कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे मॉडल को डांट रहे हैं कि खबरदार तुमने ये लफ्ज दोबारा बोला, ठीक है। जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं डांटते, वो एक लफ्ज रिपीटेटिव कहे तो कहते हैं नहीं ये तुमने लफ्ज दोबारा नहीं बोला, तो आप समझे कि मॉडल भी एक छोटा बच्चा है, वो सेम लफ्ज जब ज्यादा बार यूज करता है तो फिर आप उसे डांटते हैं कि तुम सेम लफ्ज दोबारा यूज नहीं करो वरना तुम्हें सजा मिलेगी, तो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। अच्छा, इसके नीचे है प्रेजेंस पेनल्टी। प्रेजेंस पेनल्टी भी मैं पहले आपको जनरल आइडिया देता हूँ, फिर मैं आपको ना फर्क समझाऊंगा कि फ्रीक्वेंसी पेनल्टी और प्रेजेंस पेनल्टी सेम लगती है लेकिन सेम है नहीं। प्रेजेंस पेनल्टी में जब आप मॉडल पे जाएंगे तो कहेगा कि अगर एक लफ्ज आउटपुट में आ गया है तो मॉडल को पेनलाइज करो कि वो दोबारा ये वर्ड जनरेट ना करे, लेकिन आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी में भी तो यही हो रहा था कि एक लफ्ज ज्यादा बार आ गया है तो दोबारा आए तो मॉडल को सजा दो, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि एक लफ्ज अगर एक बार भी आ गया है तो मॉडल को सजा दो कि वो दोबारा ना आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो प्रेजेंस पेनल्टी समझे कि यस एंड नो है, अगर एक लफ्ज आ गया तो दोबारा वो लफ्ज आउटपुट में आया तो मॉडल को सजा मिलेगी। इसका फायदा ये होता है कि मॉडल और ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है, सेम लफ्ज बार बार इस्तेमाल नहीं करता, तो फ्रीक्वेंसी और प्रेजेंस में बड़ा बारीक सा फर्क है। फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी एक हद से ज्यादा बढ़ेगी तो आप मॉडल को पेनल्टी डालेंगे या मॉडल को सजा देंगे, लेकिन प्रेजेंस में अगर लफ्ज एक बार भी आ गया तो आप मॉडल को कहेंगे कि दोबारा ये लफ्ज तुमने इस्तेमाल नहीं करना वरना तुम्हें सजा मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये प्रेजेंस पेनल्टी है, जो ऊपर थी वो फ्रीक्वेंसी पेनल्टी थी। तो ये चीज मुझे उम्मीद है कि आपको जरा क्लियर हो गई होगी। तो यूं समझे कि प्रेजेंस पेनल्टी जब आप थोड़ी सी ज्यादा करते हैं तो आप मॉडल को जरा ज्यादा क्रिएटिव बना रहे होते हैं। ओके, सो अब हमारी प्लेग्राउंड के ऊपर आपको जितनी चीजें नजर आ रही थी वो ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यूजर वाले सेक्शन में आता हूँ और मैं उस वहां पे सिर्फ एक मैंने लिखा है हाय, हाय का मैसेज लिखता हूँ और मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब ओके, अब वो कहता है देयर थैंक यू फॉर रीचिंग आउट आवर कस्टमर सर्विस टीम, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे विद योर सॉफ्टवेयर इश्यूज। तो अब मैंने जो प्रॉम्प्ट में उसको एग्जैक्टली बताया था कि आप टेक कंपनी के कस्टमर केयर जो है वो असिस्टेंट हैं और आपका काम जो है वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी तरीके से उसने ग्रीट किया है जिस तरह मैंने उसको बताया था। एक और मैं मैसेज डाल देता हूँ कि आई हैव इश्यूज विद द वेबसाइट, इट इज स्लो एंड पेमेंट मेथड इज नॉट वर्किंग, ठीक है जी। मैंने उसको कह दिया कि जी वेबसाइट जो है वो बहुत स्लो है और पेमेंट मेथड जो है वो आपका काम नहीं कर रहा। अब उसने एक प्रॉपर आपको आंसर जो है वो उसका जनरेट करके दे दिया है। अब
सबसे पहले तो उसने अपोलोजाइज किया है कि हमारी तरफ से जो सर्विसेज हैं वो डाउन हैं, तो जो हमारा कस्टमर है वो अगर गुस्से में भी है उसको ठंडा करने के लिए अपोलोजी सबसे पहले उसने की है कि कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि लेट्स स्टार्ट बाय ट्रबल शूटिंग द स्लो लोडिंग इशू फर्स्ट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा है उसको इशू, मैंने दो इशूज बताए हैं, तो सबसे पहला उसने इशू लिया है और उसके ऊपर वो बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आपके जो प्रॉब्लम है उसको ट्रबल शूट करते हैं। अब पहला स्टेप उसने मुझे बताया कि जी अब अपने ब्राउजर की कैशे जो है वो उसको क्लियर करें, उसके उसने मुझे कमांड्स उसकी स्टेप्स बता दिए कि अगर आप मैं विंडो यूज कर रहा हूँ तो वो भी बता दिए, मैक यूज कर रहा हूँ तो वो भी बता दिए। अच्छा, अगर इससे मेरा दूसरा उसने सोल्यूशन बताया कि डिफरेंट ब्राउजर ट्राई कर लें। तीसरी चीज उसने बताई कि आपका इंटरनेट कनेक्शन के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको भी चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, अब वो आया कि नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पेमेंट मेथड इशू, ठीक है। अब उसने दूसरी प्रॉब्लम ली है, अब उसके बारे में अच्छा पेमेंट मेथड में मैं सिर्फ उसको वेग स्टेटमेंट दिया कि ये काम नहीं कर रहा, तो अब वो मुझे क्या कह रहा है, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी मोर डिटेल अबाउट द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, आर यू रिसीविंग एन एरर मैसेज व्हाइल यू ट्राई टू मेक अ पेमेंट, ठीक है। अच्छा, और साथ साथ उसने उस तमाम चीज़ों को मजीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी कि इफ द ट्रबल शूटिंग स्टेप्स अबव डोंट रिजॉल्व द इशू आई रिकमेंड यू रीचिंग आउट टू आवर टेक्निकल सपोर्ट टीम, एग्जैक्टली जिसने उसको मैंने बताया था, और दे हैव एक्सपर्टीज टू असिस्ट यू फर्दर। ओके, मैं इसमें एक मैसेज ये कर देता हूँ कि पेमेंट मेथड के हवाले से इट इज नॉट एक्सेप्टिंग माई क्रेडिट कार्ड, ठीक है गलत रहने दें, चलें गलत रहने देते हैं। और अब मैंने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इश्यूज बताए हैं, तो अब वो मुझे उनकी जो जितनी रेमेडी, सबसे पहले फिर उसने अपॉलोजी की है, अपॉलोजी के बाद उसने ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स बता दिए। सबसे पहले वो कहता है कि कार्ड डिटेल्स चेक कर लें, कार्ड नंबर चेक कर लें, एक्सपायरेशन डेट चेक कर लें, कोई टाइपो तो नहीं हो रहा आपका आपकी तरफ से। दूसरी चीज़ फिर उसने बताई है कि इफ़ यू हैव अनदर जो क्रेडिट कार्ड है वो यूज़ करके देख लें अगर स्टिल इशू परसिस्ट करता है, और इसके साथ नहीं अगर ये नहीं हो पा रहा तो आप अपने बैंक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तीन चीज़ उसने मुझे बताई हैं, और अब आप ये देख लें कि तीनों जो चीज़ें आ रही हैं वो कितनी एक्यूरेट हैं मेरी प्रॉब्लम के रिलेटेड। जो मैं उसको बिल्कुल वे चीज़ बताता हूँ लेकिन वो मुझसे इन्फॉर्मेशन लेता है, एग्जैक्टली उस तरह ग्रीड करता है, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को पकड़ता है और उनको स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूट करवाता है, और नीचे साथ मुझे मैसेज भी दे देता है कि अगर इन तीन स्टेप्स के बावजूद अगर आपका इशू सॉल्व नहीं होता तो आप जो है वो हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर लें और वो आपको वो एक्सपर्टीज रखते हैं और वो आपको आपका इशू सॉल्व कर देंगे। तो एक प्रॉपर कस्टमर केयर जो आपकी सर्विसेज होती है उनकी टोन उसने पकड़ी है, उनका जो वे ऑफ रिजॉल्विंग इशू है वो उसने पकड़ा है, और आपको आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका जो सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब इसी प्ले ग्राउंड के अंदर एक और छोटी सी चीज़ है वो मैं आपको दिखाऊँ कि ये तो था कि बिल्कुल आप पैरामीटर्स के साथ ट्वीक कर सकते थे, और एक और चीज़ मैं इसमें जो दिखाना भूल गया, ये आपके पास ना टॉप लेफ्ट टॉप राइट के ऊपर व्यू कोड का एक बटन है, अगर आप उस पर क्लिक करें ना तो नेक्स्ट टाइम जब हम इनकी APIs का कोड कर रहे होंगे तो आपको कोड भी मिल सकता है, और वो यहाँ पे मौजूद है। जो ट्वीक्स आपने की हैं तमाम पैरामीटर्स के अंदर वो ट्वीक्स यहाँ पे मौजूद हैं, टेम्परेचर, टोकन लिमिट, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने सेट की है, और जो मॉडल मैंने किस तरह से देना है उसके अंदर सिस्टम का रोल मैंने किस तरह से डिफाइन किया है वो तमाम चीज़ें यहाँ से आपको जो है वो मिल सकती हैं। ओके, और अगर मैं एक चीज़ मजीद करता हूँ क्योंकि ये जगह ऐसी जहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, ये टोकन के लिमिट्स थी, मैं इस टोकन के लिमिट्स को बहुत कम कर देता हूँ, मैं ले जाता हूँ इसको 50 कर देता हूँ, लेट्स बहुत मिनिमम है ये, और इसके बाद क्या होना चाहिए मेरे मॉडल के आउटपुट पे, क्या होना चाहिए आउटपुट आएगी या नहीं आएगी, आउटपुट आएगी सर चले। अब मैंने टोकन लिमिट्स कम की हैं, अब मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, माई इश्यूज स्टिल परसिस्ट,
और आई विल सू यू, ठीक है? ओके, तो अब उसने क्या किया है, 50 टोकन्स के अंदर अंदर इनपुट आउटपुट को खत्म कर दिया। अगर मैं अपनी इनपुट मजीद बढ़ा देता तो आउटपुट मजीद कम हो जाती, बहुत रिड्यूस हो जाती, ठीक है? तो फिर भी वो बेचारा अपोलोजाइज कर रहा है फॉर फ्रस्ट्रेशन एंड इनकन्वीनियंस। और आखिर में बहुत अब्रप्टली बंद हुआ है, उसका जी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, वो आगे कंटिन्यू रखने की कोशिश टू कर रहा है टू इंश्योर, इंश्योर, और लेकिन टोकन खत्म हो गया। टोकन की लिमिट जो है वो खत्म हो गई है और उसकी जो जनरेशन थी आउटपुट की वो भी वहीं पर रुक गई है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको मैंने टॉप लेफ्ट के ऊपर एक बटन दिखाया था चैट का, उसके साथ एक बटन है असिस्टेंट्स का, ठीक है? असिस्टेंट्स पे जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो आपके सामने जब अब जो एक विंडो खुल रही है, ये एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये कि आपके पास सिर्फ प्रॉम्प्ट का नॉलेज है, सिर्फ एलएलएम का आपको पता है कि चैट जीपीटी एक एलएलएम है, इसको प्रॉम्प्ट दिया जा सकता है, और आपको इसके अलावा कुछ नहीं पता। तो ऐसे लोगों के लिए भी ओपन एआई ने ना एक चीज बनाई जिसका नाम है असिस्टेंट। अब वो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, उन्होंने सिर्फ एक एबिलिटी को यूज करना है, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वो स्किल अपना यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पे लिखना है इंस्ट्रक्शंस के अंदर, मैंने एक ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे उसका नाम दे देना है, उस असिस्टेंट का नाम कि ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और उसके नीचे भी कुछ सेटिंग्स हैं कौन से मॉडल पे वो काम करेगा, और उसके नीचे फंक्शनैलिटीज हैं कि क्या वो कोड को भी इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर, कोड इंटरप्रेटर भी उसके अंदर हो, क्या आप उसमें कोई कोड डालें वो आपको उसकी आउटपुट बता रहा हो, उसमें से इश्यूज डीबग करके आपको दे रहा हो, ये एबिलिटी आपने उसको देनी है या नहीं, ये बटन आपके पास है। मैं क्लिक करूंगा तो एक टॉगल बटन से वो ऑन हो जाएगी एबिलिटी, एक से वो बंद हो जाएगी, ठीक है? और इसके साथ आपके पास रिट्रीवल वाली चीजें, ये चीज मैं आपको, हम बाद में जब चैट बॉट्स पढ़ेंगे और लैंग चेन में जाएंगे तो तब इन चीजों के ऊपर दोबारा आके ये आपको बताएंगे कि रिट्रीवल बेसिकली क्या चीज है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन फॉर नाउ ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि मैंने ना यहाँ पे अभी उसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, मैं प्रॉम्प्ट पहले आपको स्लाइड से दिखा देता हूँ ताकि आपको उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैं बस, मुझे स्क्रीन शेयर करनी है और सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, स्क्रीन शेयर पर जाते हैं। जी, आपके सामने एक अब एक एग्जाम्पल टू आ गई है जिसके अंदर प्रॉम्प्ट मेंशन है। प्रॉम्प्ट थोड़ा लंबा है तो मैं इसको बड़ा क्विकली जो है वो आपके सामने बताता हूँ कि ये किस बारे में हम जो चीजें आज सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है? तो मैंने जो एक असिस्टेंट बनाने के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखा है, वो भी क्या करेगा, वो एक प्रॉम्प्ट मेंटोर है कि जो आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग के ऊपर गाइडलाइंस देगा। बेसिकली होगा ये कि ये इसका पर्सोना क्या है, ये एक प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्टर है कि इसको जो भी प्रॉम्प्ट बताया जाएगा ना, ये उसके अंदर से तमाम डेफिशिएंसीज, तमाम कमियां बताएगा कि ये प्रॉम्प्ट आपने मुझे दिया था, इस प्रॉम्प्ट में ये इस चीज की कमी है, और वो आपको एक रेक्टिफाइड, एक इम्प्रूव प्रॉम्प्ट रिटर्न करेगा उस वेक प्रॉम्प्ट की बेसिस के ऊपर कि ये आपका अच्छा नहीं था, इसमें ये कमियां थी, ये अच्छा प्रॉम्प्ट है, ये लो, और इसको जो मैंने इम्प्रूव किया इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे वो साथ नीचे वो भी एक्सप्लेन करके देगा। तो इसके अगर आप स्टेप्स टू कंप्लीट टास्क अगर सिर्फ अगर देख लेना तो क्या है, एनालाइज अ प्रॉम्प्ट फॉर स्टिमुलेट पर्सोना, टास्क स्टेप्स टू कंप्लीट टास्क, कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रेंट, गोल्स एंड फॉर्मेट आउटपुट, ये वो तमाम चीजें जो छह की छह हमने आपको बताई आज पढ़ाई है, एग्जैक्टली वो चीजें मैंने इसमें डाली हैं। अब इसको पढ़ तो आप लोग खुद भी सकते हैं, हम चलते हैं इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्चुअल उसकी तरफ, ठीक है? सो इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये हम वापस आ गए हैं प्लेग्राउंड में। ओके, सो ये मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रॉम्प्ट मेंटोर, ठीक है? और इसके अंदर एग्जैक्टली वही प्रॉम्प्ट है जो आपको स्लाइड्स में मैंने दिया हुआ है। और अच्छा, एक चीज ये है कि ये जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिया है ये लिमिट नहीं है कि हमेशा इसी तरह का प्रॉम्प्ट लिखना है,
ये आपको एक बेस दे दी गई है कि ये प्रॉम्प्ट इस तरह लिखे जा सकते हैं। अब हर बंदे ने अपना माइंड यूज करते हुए उसको कितना इंप्रूव करना है वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इस चीज पे स्टक नहीं हो जाना कि ये हमने फॉर्मेट दे दिया तो तमाम लोग इसी फॉर्मेट पे प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। आप उसके अंदर अगर कोड की आउटपुट लेना चाह रहे हैं तो एग्जैक्टली कोड की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि इस तरह का मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो मैं सिर्फ उसको टेक्सचुअल कमांड सिर्फ बता रहा हूं। ओके, मैंने मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, मैं सेव कर देता हूं, मैंने सेव असिस्टेंट कर दिया है और मेरा मुझे मैसेज मिल गया योर असिस्टेंट हैज बीन अपडेटेड। अब मैं इसको मैसेज करता हूं कि हाय एनालाइज माय प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट मैं इसको बता देता हूं गिव मी टॉकिंग पॉइंट्स ऑन AI, ठीक है। अब ये बहुत वेग, ठीक है, अब इसको इस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करने के बाद मुझे सबसे पहले डेफिशिएंसीज बतानी चाहिए। अब ये देखें क्या हुआ, क्या है कि उसने पीछे पूरी जो इंस्ट्रक्शन है वो रन हुई है, वो आपके सामने आ रही है। ये स्टेप आया कि उसने इंस्ट्रक्शंस को देखा है कि मुझे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिली थी और उसके बाद उसने आउटपुट को जनरेट किया है। अब आउटपुट पे आ जाते हैं, Hi there, let's analyze your prompt and address the common issues to improve its overall effectiveness. तो सबसे पहले उसने बताया कि stimulate persona, the prompt seems to lack a specific persona, उसमें persona कोई भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज task, the task is not clearly defined, task बताया हुआ है लेकिन clearly defined नहीं है, what exactly to do, what exactly do you want respondent to do? Are they supposed to provide a list of bullet points or detailed information, explanation? Or steps to complete task? कोई further steps नहीं मैंने उसको बताए, उसके ऊपर मुझे उसने explanation दे दी, context नहीं मैंने उसको बताया, goals मैंने उसको mention नहीं किए कि behind इसके पीछे क्या goals हैं, are you looking for advantages, disadvantages, application or something else? मेरा ख्याल हमने इरफान को add करना है, तो okay, okay, add stage करना। अस्सलाम वालेकुम इरफान, आपको आवाज आ रही है हमारी? सर का एक्चुअली वालेकुम अस्सलाम, हो गया, कैसे हैं आप लोग? जी हम बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाँ भी हूँ मुझे लेक्चर की फिक्र तो रहती है लेकिन आपके होते हुए तो बड़ा सुकून रहता है। जी जबरदस्त, और आपका ट्रेवल ठीक रहा? मैं आपको दिखाता हूँ अपना ट्रेवल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। श्योर, प्लीज टेक योर टाइम। हियर आई एम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने कहा आप लोग दवा कर रहे हैं, मैं थोड़ी दुआ कर लूं। और आप लोग जितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए दवा और दुआ दोनों चाहिए। तो अभी डॉक्टर साहब टीम को लीड कर रहे हैं दवा करने के लिए और मैं यहाँ दुआ कर रहा हूँ, और 6 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली 4 महीने बाद आप लोग हम लोग दुआ कर रहे होंगे डॉक्टर साहब के साथ मिल के और आप लोग दवा कर रहे होंगे, तो क्या करना है? मैं अभी थोड़ी देर पहले बैठा था तो मुझसे किसी ने एक सवाल किया, मैं सिर्फ आपके 3-4 मिनट लूंगा और ये जरूरी है क्योंकि एक असाइनमेंट है आप सबके लिए। मुझे किसी ने कहा, मेरी कुछ डिस्कशन चल रही थी किसी एक बड़े आदमी के साथ, उसने कहा कि आप लोगों की सक्सेस रेट क्या है। तो मैं थोड़ी देर के लाजवाब हो गया कि एक बैच हमारा कम्प्लीट हो गया है, दूसरा बैच चल रहा है, हम जहाँ भी हैं हम कोशिश करते हैं कि हम लेक्चर मिस ना करें क्योंकि ये हमारे लिए इबादत है, इससे कम नहीं है। तो सक्सेस रेट मेरे पास नहीं थी और मैंने सोचा कि ये डॉक्टर शिराज ने बनानी है या इरफान मलिक ने बनानी है या हारिस ने बनानी है या वकास ने बनानी है। वकास भाई भी आ गए कॉल में, वाह आते नहीं है। ये किसने बनानी है, ये आप लोगों ने बनानी है। मेरे पास ना कोई स्कोर नहीं था कि कितने परसेंट लोग पहले बैच में कामयाब होते हैं, ये कामयाबी है क्या। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैंने अब तक कोई 800 से ज्यादा ओवरऑल वीडियोज रिकॉर्ड की हैं और हमारे इतने ज्यादा लेक्चर हो गए हैं, आप किसी भी लेक्चर को ओपन करें और उस लेक्चर के नीचे लोगों के सेंटीमेंट्स को देख लें, अंदाजा हो जाएगा कि कामयाबी क्या है। लेकिन दैट वाज नॉट इनफ, सो व्हाट वी हैव टू सेट अप हियर कि हमारे पास कोई स्कोर कलेक्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि पिछले बैच के लोग जो हैं वो कहाँ पहुंचे हैं, आज वो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे हैव अचीव्ड, वेयर दे आर स्टक। प्लीज हमें ईमेल्स करें, हमें मैसेजेस करें, हमें ग्रुप में रिस्पॉन्ड करें। मेरा ईमेल आप सबके पास है मोस्टली, अदरवाइज वकास एक ईमेल ड्रॉप कर दो, हमें ईमेल करें क्योंकि आपकी सक्सेस स्टोरी की बेस पे देयर इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू क्लोज, देयर इज समथिंग बिग दैट वी आर ट्राइंग टू डू। और ऑब्वियसली हमारी स्ट्रेंथ एक लिमिटेड है,
हम देखें दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन दुआ भी जितनी हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन एज ए नेशन शायद हमें इससे ज्यादा जरूरत है, और उसके लिए मुझे बड़े बड़े लोगों को अपने साथ मिलाना है। और आज के सवाल का जवाब मेरे पास प्रिसाइसली नहीं था, लेकिन आगे होना चाहिए। तो जितने लोगों को कामयाबी मिली है वो अपने कॉन्टेक्ट डिटेल, अपनी सक्सेस स्टोरी, मैं सक्सेस स्टोरी तो नहीं कहूंगा बट वट एवर यू हैव अचीव्ड सो फार, पूरी ईमानदारी से, कुछ एग्जैजरेट नहीं करना, कोई झूठ नहीं बोलना, कोई इंप्रेस नहीं करना, क्योंकि बेसिकली सच झूठ का पता तो अल्लाह को होता है, लेकिन आप जैसे मुझे बताएंगे मैं आगे पास ऑन कर दूंगा। सो दिस इज वट यू नीड टू डू। मुझे आज के लेक्चर की मैंने आउटलाइन देखी थी, मैं ज्वाइन करना चाहता था बट मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे टाइमिंग मेरी मर्जी से नहीं चलती, आई वॉन्ट बी एबल टू टॉक अलॉट, यहाँ रश बहुत है। बट एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आके भी मैं ये नहीं बोला, एक मिनट पहले मैंने डॉक्टर साहब को मैसेज किया था, आर वी ऑन टाइम, सब ठीक जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए जो हम कर रहे हैं इबादत से कम नहीं है। आई ट्रूली अप्रिशिएट डॉक्टर शिराज सर के वो मुझे इस तरह से ट्रेवल करने में हेल्प आउट कर रहे हैं, अगर वो पीछे ना खड़े होते तो मैं यहाँ ना खड़ा होता सुकून से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि मुझे इधर आना पड़ा। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करें, मैं निकलूं आगे की तरफ, यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, लोग मुझे देख रहे हैं। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई जस्ट वांटेड टू से हाय टू ऑल और प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। डॉक्टर साहब आप दुआ करें, मैं दुआ करता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी हारिस भाई, मेरा ख्याल हम वापस अपने वो प्रॉम्प्ट जनरेटर, यार ये तो बड़ा खूबसूरत आइडिया है कि प्रॉम्प्ट सिखाने के लिए आपने एक प्रॉम्प्ट जनरेटर असिस्टेंट बना दिया, जिसमें बच्चे अपना प्रॉम्प्ट बना के डालेंगे तो वो उन्हें बताया कि यार आपके प्रॉम्प्ट में फला फला प्रॉब्लम है, इसको और इम्प्रूव करे, दैट इज अमेजिंग। तो अब आपका, अच्छा मैं, दैट वाज अ वेरी नाइस इंटरप्शन बाय द वे। तो अच्छा बात हमारी ये हो रही थी कि हम असिस्टेंट डिस्कस कर रहे थे, और उस असिस्टेंट के अंदर स्पेसिफिकली वो हमारे जो प्रॉम्प्ट था उसमें से कीड़े निकाल रहा था कि ये चीजें खराब हैं। अच्छा उसने तमाम चीजें बता दी, अब उसके बाद मैंने उसको कहा था कि जब इश्यूज सारे बता दो, अब ऐसा भी हो सकता है अब मेरा प्रॉम्प्ट इतना गंदा था कि उसने 6 के 6 इशू मेंशन किए मुझे, ऐसा हो सकता है आपके कोई से 2 इश्यूज हों तो वो आपको 2 मेंशन करेगा, कोई आपका अगर सिर्फ 1 इशू होगा तो वो सिर्फ 1 इशू मेंशन करेगा, ये कंपलसरी नहीं कि सारे इशू हमेशा आएंगे, जो स्पेसिफिक चीज मिसिंग होगी सिर्फ उसको आपको एड्रेस करेगा। उसके बाद मैंने उसको कहा था कि रिवाइज प्रॉम्प्ट मुझे चाहिए, अब रिवाइज प्रॉम्प्ट को देखिए वो कितना इंप्रूव करके मुझे देता है। एज एन AI बिगिनर प्रोवाइड मी विद 5 बुलेट पॉइंट्स हाईलाइटिंग द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ AI इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, please include a real life example to support your points, your response should be in clear and concise written format. theek hai ab ye bada ek jise kehte hain na ki ek well instructed prompt hai ki jiski basis pe aapko upar jo aapko output milegi wo itni achhi hogi ki ab uske andar tamam aspects aapke talking points ke wo clear ho rahe hain। सो और उसने फिर साथ नीचे हर मॉडिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ दी है कि ये क्यों ऐड किया गया, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा। सो ये चीज़ एक आप लोग भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद हम जब डॉक्टर साहब आपको लेके जाएंगे डिफ्यूजन मॉडल्स के ऊपर, हम डिफ्यूजन मॉडल्स के ऊपर जब डिस्कशन करेंगे उसकी भी प्रॉम्प्टिंग आएगी, तो आप उसका भी इसी तरीके से एक असिस्टेंट बना सकते हैं और उस असिस्टेंट को प्रॉम्प्ट्स दे के टेस्ट कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी एक्सरसाइज आपकी लर्निंग जो है वो आपके पास है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इससे अच्छी क्या चीज होगी, आई डोंट नो। नहीं ये बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ये बड़ा आपने अच्छा गाइड किया, और इनफैक्ट आगे जो एक स्लाइड है उसमें कुछ टिप्स भी हैं इफेक्टिव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बजाय ये कि हम बताएं, हम एग्जाम्पल से लोगों से पूछते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉम्प्ट जो हमने ये 2 लिखे थे उसमें उन टिप्स के बारे में हमें आंसर दें, तो अगर आप शेयर करें टिप्स फॉर इफेक्टिव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके जी, वी आर वेटिंग कि आपके कमेंट्स जो है वो हमें रिसीव हों। जी नीचे आ जाओ। ओके, तो ये टिप्स थी, Be explicit, ये जी ये वाले, तो
अब हमें ये बताएं कि प्रॉम्प्ट में बी एक्सप्लिसिट का क्या मतलब, मसलन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हमने सॉरी असिस्टेंट वाला प्रॉम्प्ट लिखा था उसमें क्या चीज हमने एक्सप्लिसिट बताई थी? हमने, चले मैं पहले आपको हिंट देता हूं, हमने बताया था कि तुम असिस्टेंट हो लेकिन एक सॉफ्टवेयर कंपनी का, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास क्यूरीज भी सॉफ्टवेयर कंपनी की आएंगी। अगर हम ये ना बताते तो दुनिया में पता नहीं हर बिजनेस कितने बिजनेसेस हैं, हर बिजनेस के असिस्टेंट्स हैं, तो वो कंफ्यूज रहता कि यार मैं किस चीज का असिस्टेंट हूँ। जनरल बाकी चीजें तो सेम थी लेकिन उसको सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के इश्यूज के बारे में ना पता होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के बारे में कोई एग्जांपल, हमारे पास जो फिजिकल बच्चे बैठे हुए हैं, आप बताएं कि प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट इन अ प्रॉम्प्ट जो हमने दोनों एग्जांपल दी हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या चीज थी, क्या चीज बता रही थी कि ये एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट है प्रॉम्प्ट के अंदर? बिल्कुल ठीक है। और हमारे जो वर्चुअल स्टूडेंट्स हैं वो भी बताएं। जी बिल्कुल, ये जो पर्सोना असाइन करना है ये भी कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है कि आपने मॉडल को एक पर्सनैलिटी असाइन की कि तुम एक असिस्टेंट हो या तुम एक मेडिकल डॉक्टर हो या तुम एक लीगल प्रोफेशनल हो। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के आपने उसे एक दफा इनिशियलाइज कर दिया या तैयार कर दिया कि तुमसे इस किस्म के सवाल होंगे। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ग्रेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल आउटपुट लेंथ। हारिस, ये आपने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी थी, और एक चीज जो हारिस ने बताई वो मैं दोबारा बताता हूं अगर किसी ने नहीं उस पर तवज्जो दी, कि जो आपके पास नंबर ऑफ टोकन्स हैं या जो लिमिट है लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, उसमें प्रॉम्प्ट की लेंथ और जनरेटेड आउटपुट की लेंथ दोनों कंसिडर होती है। इसका मतलब है कि अगर आपने मॉडल को कहा है कि तुमने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स है वो 100 जनरेट करने हैं और प्रॉम्प्ट आपने 80 टोकन्स का दे दिया, तो मॉडल के पास सिर्फ 20 टोकन्स बचेंगे आपको जवाब देने के लिए। तो जो टोकन लेंथ किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की होती है वो शेयर्ड होती है, इन अ सेंस कि वो इनपुट प्लस आउटपुट दोनों के टोकन्स को काउंट करके मैक्सिमम लेंथ बनती है, अलग इनपुट की नहीं होती। तो अगर तो अब आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपके जो जनरेटेड कंटेंट है वो ज्यादा आप चाह रहे हैं, ज्यादा लंबा चाह रहे हैं, तो आप अपनी कॉन्टेक्स्ट लेंथ या मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल प्रिसाइज आंसर दें, तो आप एक तो अपनी जो मैक्सिमम लेंथ है वो कम कर देंगे, दूसरा आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर मॉडल को भी कहेंगे, लिमिटेशंस का जो सेक्शन था ना हमारा कॉन्टेक्स्ट लिमिटेशन, कि तुमने जवाब बिल्कुल प्रिसाइज देने, सो बी वेरी प्रिसाइज, ताकि वो लंबी स्टोरीज ना सुनाए। तो ये जो कंट्रोल आउटपुट लेंथ है ये एक्चुअली एक स्विच है आपके हाथ में, एक नॉब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कि किस किस्म की आउटपुट आप उससे चाह रहे हैं। जी हारिस, रिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सेज पे बच्चों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट शुड दे टेल अस और मैंने वैसे लिखा हुआ है और आप पढ़े तो आपको समझ में भी आएगी। सो व्हाट शुड दे रीड और टेल अस? हाँ, यू शुड रीड एंड देन टेल अस के यार रिस्पॉन्स रिस्ट्रिक्शन जो है वो कैसे एज अ पैरामीटर यूज हो सकती है, उससे क्या फायदा होगा? क्रिएटिविटी, वेरी गुड। ये इट्स सॉर्ट ऑफ अ क्रिएटिविटी स्विच जिसमें आप बता सकते हैं कि ये काम करो ये ना करो, क्योंकि आपने एक लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन बता दी। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, देन विल लेट इट गो। रेपिटेशन कम कर सकते हैं, टेम्परेचर को मैंने बताया था ना कि टेम्परेचर भी एक क्रिएटिविटी स्विच है। आप अगर चाहते हैं कि आपके कंटेंट में लफ्ज रिपीट ना हो
तो आप क्रिएटिविटी स्विच ज्यादा कर दें। बिल्कुल, अगर कोई बंदा पोएट्री जनरेट करवाना चाह रहा है तो वो क्रिएटिविटी जीरो रखेगा कि बढ़ाएगा, और अगर कोई बिल्कुल टू द पॉइंट आउटपुट लेना चाह रहा है तो वो टेम्परेचर को बिल्कुल मिनिमाइज कर देगा, जीरो कर देगा। सो उसके बाद एक जो आपका लास्ट स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट एंड आइट्रेट, के तजर्बे करते जाएं और उसको रिफाइन करते जाएं, इम्प्रूव करते जाएं कि अच्छा ये देखें, क्योंकि आपको सबसे पहली चीज हम लोगों ने जब ये पढ़ाना शुरू किया था ना, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको टोकन्स पढ़ाए थे कि जो मॉडल की इनपुट है ना, जिस तरह आप वर्ड बाय वर्ड हर सेंटेंस को पढ़ते हैं और वर्ड बाय वर्ड अंडरस्टैंड करते हैं, और अगर इनका सीक्वेंस खराब हो जाए तो आपकी जो आउटपुट है वो प्रोसेस आप सोच में पड़ जाते हैं और सोच के आप तो जवाब दे देते हैं, लेकिन मॉडल ऐसा नहीं कर सकता। मॉडल को जो आपने वर्ड बाय वर्ड चीजें दी हैं वो एक एक वर्ड एक एक टोकन उसकी आउटपुट को अफेक्ट करता है, तो एक वर्ड भी आपके प्रॉम्प्ट में ऐसा हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट को प्रॉम्प्ट जो मॉडल की आउटपुट है उसको जमीन से आसमान पर ले जा सकता है, और एक वर्ड ऐसा हो सकता है जो उसको नीचे ला सकता है। तो ये एक रेपिटेटिव प्रोसेस है। और देखें लिटमस टेस्ट इरफान ने बड़ा आपको अच्छा बताया था कि आपने ये अज्यूम कर रहा है कि मॉडल एक ना बुजुर्ग आदमी है, हाँ जी, जिसके पास दुनिया जान का नॉलेज है लेकिन उसको सुनाई जरा कम देता है। सो अगर आप वो प्रॉम्प्ट लिखेंगे जो खुद आपको भी सही तरह समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये यकीन रखें कि वो मॉडल को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बी एक्सप्लिसिट, स्टेप वाइज लिखें और उसको स्टेप में तोड़ें, सही टू दी पॉइंट फोकस सवाल पूछें। तो यानी आप ये अज्यूम कर लें कि आपके सामने वो बुजुर्ग बाबा जी विद नॉलेज बैठे हैं, आपने जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलना है, बाबा जी को पहले ये भी बता देना है कि बाबा जी आप कानूनदान हैं या डॉक्टर हैं, और उसके बाद बाबा जी को लिमिटेशंस भी बता देनी है, फिर वो आपको बड़ा प्रॉपर आंसर देंगे अपने नॉलेज की बेस पे। लेकिन एक्सप्लिसिट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, और ये जो एनाटमी हमने आपको बताई है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि मैंने और हारिस ने बाद में एक्सप्लेन किया था कि इस पे बड़ी नई रिसर्च आती रहती है, जैसे हमने आज एक रिसर्च पढ़ी, हमने आपके साथ शेयर कर दी कि यार आप प्रॉम्प्ट के अंदर सिर्फ इमोशनल एक जुमला भी डाल देंगे ना तो आपकी आउटपुट बहुत बेहतर हो जाएगी। ये हम नहीं कहते, ये माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर्स कहते हैं। तो दैट इज समथिंग न्यू फॉर अस। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में इसी तरह आपको बहुत सारी नई नई बातें पता चलेंगी, इसी तरह हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो हमने डाले नहीं, क्योंकि ये इतनी बड़ी फील्ड है। इसको अगर मैं कहूं कि आप एक्चुअली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज में तो ये गलत नहीं होगा। सो एक्चुअली आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं लेकिन नेचुरल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यानी कि बोलने वाली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो आप जितना अच्छा प्रोग्राम, जितना सोच समझ के लिखेंगे उतना ज्यादा वो अच्छा काम करेगा, और आपके अल्फाज का असर भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे उतना ही ज्यादा होगा। तो हारिस टाइम क्या हुआ है, हम आज स्टार्ट कर सकते हैं? ओए टाइम का तो पता ही नहीं चला। तो मेरे ख्याल आज की बस अब हम समरी ही कर दें और डिफ्यूजन मॉडल जो है वो फिर कल पे आएंगे। तो आज हमने जनरल सा डिस्कशन की जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करने के लिए। आज आपने देखा कि एक प्रॉम्प्ट के 5 और एक ऑप्शनल 6 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, उसके बाद हमने कुछ प्रॉम्प्ट्स जो है वो अप्लाई किए, उसके बाद हारिस ने बहुत खूबसूरत तरीके से आपको प्लेग्राउंड ओपन एआई का है उसके बारे में बताया, और उस प्लेग्राउंड के अंदर बहुत सारे जो डिफरेंट पैरामीटर्स थे उनका पर्पस हमने डिस्कस किया, और ये डिस्कस किया कि किस तरह उन पैरामीटर को हम चेंज करें तो मॉडल से हम डिफरेंट अपने मतलब की आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हारिस ने असिस्टेंट एपीआई तो अभी नहीं आई, असिस्टेंट का जो प्लेग्राउंड है उसके बारे में हमें आइडिया दिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो कल का लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट ही डिफ्यूजन मॉडल से करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक्चुअली फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, ये नाम क्यों पड़ा, और उसके बाद के एक जनरल सा आइडिया कि डिफ्यूजन मॉडल कैसे काम करते हैं। फिर इसी तरह हम डिफ्यूजन मॉडल के भी प्ले ग्राउंड पे जाके प्रॉम्प्ट्स देखेंगे, और कल आप एक नई चीज देखेंगे नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, जो हम आपको इमेजेस के अंदर दिखाएंगे। और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा
तो फिर हम अपना जो पाइथन का या बेसिक जो हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाला मॉड्यूल है उसकी बेसिक्स जो है उस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अच्छा सर, कुछ चीज़ें हैं बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर जो प्लेग्राउंड हमने यूज़ किया उसका जो लिंक है, लिंक एक तो आपको स्लाइड्स में मिल जाएगा, दूसरा ये कि अगर आपने क्विकली इसको वैसे सर्च करना है तो सिंपल ChatGPT प्लेग्राउंड लिखेंगे तो आपको गूगल के ऊपर टॉप रिजल्ट्स के अंदर, टॉप 2 के अंदर जो है वो प्लेग्राउंड मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको खोल के तो वो यूज़ कर सकते हैं। मीनवाइल जब कल के लेक्चर हम, क्योंकि सर ने जिसने आपको बताया कि डिफ्यूजन मॉडल्स और नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग पे होगा, तो हमारे वर्ड्स के ऊपर यकीन करने के बजाय आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, जाके आप वेबसाइट्स देखिएगा प्रॉम्प्ट्स के, आप गिग्स देखिएगा कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से मॉडल यूज़ कर रहे हैं, उन मॉडल से किस किस तरह की आउटपुट यूज़ की जा रही है, कि इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर कितना काम किया जा रहा है, कितना ऑनलाइन आपके पास पेड वर्क मौजूद है कि जो सिर्फ इन स्किल्स पे डिपेंडेंट है, और ये स्किल्स ऐसी हैं कि जो एक हाउस होल्ड जो फीमेल है जिनके पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, जो बाहर नहीं जा सकती, जो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आप एक आम हम लोगों के लिए आसान होती है लेकिन उनके लिए वो कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके लिए वो लिमिटेशंस हैं, वो चीज़ें वो सीख सकती हैं, वो उनसे अर्निंग कर सकते हैं। तो जो लोग हम, क्योंकि हमें डेली बेसिस पर लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते रहते हैं, सर हम अर्निंग कैसे करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे, तो यही चीज़ें होती हैं जिनको आपने पिक करना होता है। और आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं गैप को देख रहे होते हैं, वो पिक कर लेते हैं कि जनाब ये चीज़ है, लेकिन मिलेगी कैसे? मिलेगी तब जब आप उसके लिए सर्च करेंगे, उस चीज़ को ढूंढेंगे, और जब ढूंढेंगे तो फिर आपको वो कुछ मिलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि हम तो सिर्फ कोड और इन चीज़ों के पीछे 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 जो है ना वो पढ़े हुए, लेकिन ये चीज़ें भी हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा है और जिनके लिए बहुत सारा काम अवेलेबल है। बिल्कुल। और एक और काम ये करें कि आप हमें ये बताएं कि कुछ प्रॉम्प्ट्स की प्राइस क्या है। बिल्कुल। $1 का है या $2 का है, आपने ये भी सर्च करना है कि प्रॉम्प्ट कितने के बिकते हैं। ठीक है, तो जब आप ये हमें बताएंगे तो इससे आपको भी एक आइडिया होगा कि यार ये तो वाकई एक मार्केट है, ये तो इसमें तो एक्चुअली आप अर्न कर सकते हैं। तो ये आपकी कुछ छोटी सी असाइनमेंट है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कल हमें आइडिया देंगे। तो हरीश, मेरे ख्याल आज के लिए फिर इतना ही, कल इंशाल्लाह डिफ्यूजन मॉडल पे हम डिस्कस करेंगे और डिफ्यूजन मॉडल को एक्शन में देखेंगे। तो हमारे लिए दुआ कीजिए, दुआ में याद रखेंगे, अल्लाह ताला हमें अपने साथ जोड़े रखे, और अल्लाह ताला हमें इस पर्टिकुलर मकसद में जिसको हम नहायत एफर्ट से करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गलतियाँ, कोताहियाँ, मसले, मसाइल, चैलेंजेस हमेशा होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम इसको बेहतर से बेहतर करें। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे के हम इसको और ज़्यादा बेहतर और इम्प्रूव कर सकें। तो इंशाल्लाह फिर कल तक के लिए खुदा हाफिज़, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।